हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे आम पन्ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो आम लिए हैं, कच्चे आम हैं। अब हम इसे छील लेंगे। तो हमने आमों को छील करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और गुठली को अलग कर दिया है। अब हम गैस पे एक बर्तन डालेंगे और इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आम। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। आम को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उतार देंगे और इसे चेक कर लेंगे। आम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सिंग का जार लेंगे और इसमें हम आम को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी काली मिर्च पाउडर, 4 चम्मच चीनी, कुछ पुदीने के पत्ते, आधी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास और पानी। हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच उजला नमक। अब हम इसे एक बार फिर से पीस लेंगे। तो हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे 2 गिलास में सर्व कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर आइस क्यूब डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर पुदीना के पत्ता डालकर गार्निश कर लेंगे। तो अब हमारा आम पन्ना बनकर तैयार है। आप भी इस तरह आम पन्ना बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।